फ्रेंड्स स्वागत है आपका कृष्ण ऑफिशियर में आज हम ये छः और सात नंबर लड्डू गोपाल की जैकेट बनाएंगे ये आप इस लड्डू गोपाल को ड्रेस के ऊपर भी पहना सकते हैं और ये बहुत आसान तरीके से बनाई गई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने ये ऊन ले लिया और ये बारह नंबर का क्रोशिया लिया है पहले हम यहाँ पर ये इस तरह से नोट लगाएंगे यहाँ पर अब हम ट्वेंटी फोर चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हमने ट्वेंटी फोर चेन बना ली अब हम वन टू तो, थ्री थ्री चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर थ्री चेन स्किप करके थ्री चेन स्किप करके और जो फोर्थ वाली चेन है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे ये हमारे दो डबल क्रोशे हो गए अब इसका नेक्स्ट वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे अब हमें यहां पे जितनी भी चेन दिख रही है सब में एक एक बार डबल क्रोशे बना लेंगे और लास्ट तक आ जाएंगे ये हमने सारे में डबल क्रोशे बना लिए यहाँ पर हमारे ट्वेंटी फाइव डबल क्रोशे बने हैं अब यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चेन बनाएंगे और इससे नीचे वाले में नहीं बनाएंगे इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसके नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे उसके नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे अब जैसे हमने यहाँ बनाए हैं जो सब हम भी यहाँ पर भी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद हम जैसे हमने ये बनाया रो ऐसे ही हम दो रो और बना लेंगे इसके आगे ये हमारी सेकंड रो होगी जो हम बना रहे हैं इसके बाद दो रो और बना लेंगे यहाँ हमें एक भी बढ़ाना नहीं है डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमें ट्वेंटी फाइव डबल क्रोशिया ही बनेंगे चारों रो में ऐसे हम यहाँ बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे हमने ये बना लिए यहाँ पर हमारी चार रो बन गई हैं अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन डबल फिफ्टीन यहाँ पे चेन बना लेंगे और इसके दूसरे वाला जो कोना है वहाँ पे ले जा करके यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे जितने भी स्टिच दिख रहे हैं सब में एक, एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे यह हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक आ अब यहाँ पे फिर से बनाएंगे। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये हमने फिफ्टी चेन इधर भी बना ली अभी हमारी दूसरी बाजू निकल आई है और इसे हम यहाँ पर लास्ट में जा कर के जॉइंट कर लेंगे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा जैकेट का अब यहाँ पे हम वन टू थ्री थ्री चीन बनाई और इसी के नीचे वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए इसके नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे वन और ये टू इसके नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने बना ली दो ऐसे ही दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे मतलब स्लीव से पहले वाले तक बनाएंगे ये हम बनाते हुए लास्ट तक आ गए और अब जो हमने स्लीव्स पे चेन बनाई थी यहाँ पे भी हम हर एक स्टिच में दो दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे हर एक चेन में हमें दो दो तो बार डबल क्रोशिया बनाना है इसमें भी इसी में हम एक बार और बना लेंगे अब इसके नेक्स्ट वाले चेन में फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में फिर से बनाएंगे ऐसे ही बनाती हूँ हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे में दो दो बार डबल क्रोशे बनाएंगे हमने ये पूरी स्लिप्स पर बना लिया है और अब हम ये ऊपर के पार्ट पे आ गए जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया था यहाँ पर हमें हर एक स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशे है बनाना है इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे नीचे की तरफ और स्लीव्स पे हमने दो, दो दो बार बनाए थे लेकिन यहाँ पे हमें एक एक बार ही बनाना है ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे दूसरी स्लीव्स के पहले मतलब जहाँ स्टार्ट होगी वहां तक आ जाएंगे और जो हमारी बाजू आ रही है इसमें भी हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे यहाँ तक हमें एक एक बार बनाना है और बाजू पे हमें दो बार बनाना है हम इसे बनाते हुए लास्ट तक आ गए बाजू पे हमने दो दो बार बनाए थे डबल क्रोशिया अब यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद वन टू थ्री थ्री चीन बनाई और इसके नीचे वाले स्टेच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले स्टेच में हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में हम एक बार और बना लेंगे इसके नेक्स्ट में हम फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे वन और इसी में एक बार और बनाएंगे ये हमारे टू हो गए और ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे मतलब जहां से हमने बात स्टार्ट की थी उसके पहले तक हम दो दो, दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आ जाएंगे यहाँ लास्ट तक हमने ये सारे में दो दो, दो बार डबल क्रोशिया बना लिए और अब जो ये स्लीव से ये कुछ इस तरह से शेप आएगी हमारे इसकी कुछ राउंड राउंड से शेप आएगी अब जो हमारी ये स्लीव से इस इसपे हमें एक एक बार ये डबल क्रोशिया बनाना है इसमें सब में एक एक बारी बनाना है हर एक स्टिच में एक एक बार इस तरह सब में एक एक बार बनाते जाना है ऐसे हम सब में एक एक बार बर्क ऐसे बनाते हुए यहां से पूरा राउंड इस तरह से लाते हुए फिर यहां इसके ऊपर वाले पार्ट पे लेके आएंगे और फिर इसके बाजू पर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे यहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं है एक भी सब में एक एक बार बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे हम बनाते हुए लास्ट तक आ गए उसके बाद हम फिर से यहाँ पे हमने सारे में सिंगल क्रोशे बनाए थे यहाँ पे डबल क्रोशे बनाए थे नीचे की तरफ हम इसे बनाते हुए लास्ट तक आ गए यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच कर ली उसके बाद फिर से वन टू थ्री चीर बनाएंगे और इसी वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम फिर से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक स्टिच में इसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए हम दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे फिर इसके बाद हम इसके सीरीज बनाएंगे सब में एक एक, एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाना है हमारा ये दूसरा थर्ड राउंड है इसके बाद हम एक राउंड और बना लेंगे अब ये बिल्कुल हमें सेम राउंड बनाना है यहाँ पे हमारे फिर फोर राउंड हो जाएंगे नीचे की तरफ दो दो बार डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे और एक राउंड इसके बाद और बना लेंगे ये हम दो राउंड बना लिए हैं थर्ड हमारा चल रहा है और इसके बाद एक राउंड और बना लेंगे बिल्कुल सेम राउंड बनाना है हमें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी और यहाँ पे हमने थ्री रो बनाए थे और इधर हमने यहाँ पे फोर रो बनाए थे वन टू थ्री फोर इधर हमने फोर रो बनाए थे और ये हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे नीचे की तरफ दो दो डबल क्रोशिया और यहाँ ऊपर की तरफ एक एक डबल क्रोशिया बनाया था और ये हम लड्डू गोपाल को इस तरीके से पहना लेंगे इस तरीके से आएगी कुछ शेप और एक हमने ये भी बनाई थी ये भी इसी तरीके से बनी हुई है ये जैकेट बनकर तैयार है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद